बट विद्युत एज अ फैन मैं आपको पहले मिला भी हूँ, इंटरव्यूज लिए फ्रॉम 2 ईयर्स, जंगली कोविड के पहली आई थी, उसके बाद जब मैं आपको खुदाफिस 2 के लिए मिला था, और अभी एक चेंज जो मैंने नोटिस किया आप में कि आप थोड़े काम हो गए, मतलब एक इमोशनल साइड आपका ज़्यादा झलकता है अगर आपकी फिल्म हो या एज अ पर्सन, तो ये चेंज आप में आया है कि ये हमें लगता है? हो सकता है आयो, मैं फेजिस से तो गुजरता रहता हूँ, कभी बहुत पागलपन हो जाता है तो मैं ऐसे ऐसे स्टंट्स करने का मन करता हूँ। एक साल होता है जहाँ पे मुझे अतरंगी चीज़ें करने का मन होता है, फिर एक साल होता है जहाँ पे मैं बहुत काम होता हूँ कि बहुत कुछ किया है, अभी बॉडी को रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। अभी कौन सा फेज चल रहा है? अभी प्रोड्यूसर वाला फेज चल रहा है कि सब कुछ, सबको मजे आने चाहिए शूटिंग करते वक्त, सबको बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप खुश हो सेट पे तो पिक्चरें अच्छी बनती हैं। बट एज अ प्रोड्यूसर आपको कुछ चीजें सीखने मिली लाइक जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की? बहुत कुछ सीख, मैं एज एन एक्टर ही सीख गया था कि एक प्रोड्यूसर को क्या क्या करना चाहिए। मुझे लगता था कि खाना बहुत अच्छा होना चाहिए सेट पे, लोग शूटिंग पे आते हैं तो उनका मन करता है कि अपने काम पे जाएं तो मजेदार खाना हो, तो हम लोगों ने वो बहुत अच्छा किया कि कोशिश करते हैं कि सबको बहुत अच्छा लगे, कोशिश करते हैं। उसके अलावा जैसे मैं बता रहा था कि हम लोगों ने जब शूटिंग होती है तो लोग अलग अलग बैठते हैं, एक्टर डायरेक्टर हीरो हीरोइन एक टेबल पे होते हैं, दूसरे अलग बैठते हैं, हमने कोशिश की कि सब लोग साथ में बैठें, इस तरह की चीज़ों में तब्दीली लाई है, सो खुश तो हूँ मैं। क्योंकि जैसे मैं इंटरव्यू वहाँ पे पूरा बूफे लगा हुआ है बाहर खाने का, तो मैं वहीं पे समझ गया कि मतलब पूरा इंतजाम यहाँ पे हो चुका है। तो मैं भी जब बाहर जाता हूँ तो मेरी मम्मी पूछती है खाना खाया क्या, खाया अच्छा था कि नहीं, सही माँ को सवाल का जवाब देना चाहिए कि अच्छा था, तो खुश रहते हैं। बट विद्युत जब आप एक्शन करते हो बड़े स्क्रीन पे, भले इसमें दिमागी एक्शन ज़्यादा है, बट आपके मॉम का क्या रिएक्शन, डर नहीं लगता उनको? मॉम को तो हमेशा डर लगता है, मम्मियों को तो वैसे भी डर लगता है। मैं जब भी एक्शन करने जाता हूँ मुझे पता होता है वो सुबह बैठ गई हैं पूजा में, और जब तक मैं शाम को फ़ोन नहीं करता हूँ कि हो गया पैकअप, तब तक वो छोड़ती नहीं है। सो उनकी भी जॉब है, उनकी ड्यूटी है, तो वो करती हैं। बट क्या इस बार उनको थोड़ा रिलीफ था कि नहीं? एक्शन तो था बट अलग तरह का एक्शन था, मगर रिलीफ तो कहाँ होता है। राइट विद्युत, आपने हमेशा अलग एक्शन किया, चाहे वो खुदा हाफिज़ का एक्शन अलग है फ्रॉम कमांडो टू सनक, तो इस बार वो क्या एक्शन है, मतलब कुछ डिफरेंट है इस बार इस फिल्म में? ये पहली बार मैं फिल्म कर रहा हूँ जो ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड है, आज से पहले मैंने की नहीं थी। सो हम जितनी सच्चाई के आसपास रहे हैं इस फिल्म में रहने की कोशिश की हमने की है, सिनेमैटिक लिबर्टी ली है, बट इट्स वेरी क्लोज टू द प्रोसेस दैट द एजेंट्स वेंट थ्रू। तो विद्युत मुझे ये भी लगता है कि यू आर अ वेरी गुड ऑब्जर्वर, ठीक है, और जब IB71 का टीजर भी आया था एंड ट्रेलर और एक क्लिप आया था 1 मिनट का जहाँ पे आप नकली एजेंट को झट से पकड़ लेते हो, तो क्या वो क्वालिटी आप में है रियल में कि आप चट से कोई झूठ पकड़ लेते हो और गुड ऑब्जर्वर? नहीं, झूठ का पता नहीं मुझे, बट लाइक आई लाइक टू वॉच पीपल, मुझे लोगों को देख के उनकी बातें सुन के मजे तो आते हैं, तो अगर आप 100% सुन रहे हो तो ऑब्जर्वेशन बढ़ जाती है। सो मुझे लगता है कि मैं 100% तो होता ही हूँ जहाँ पे भी होता हूँ। बहुत ज़रूरी था क्योंकि सीक्रेट सर्विस पे आज तक फिल्म बनी नहीं है। मैं लोगों से पूछता हूँ कि अमेरिका की सीक्रेट सर्विस के उनको पता है CIA MI इंग्लैंड की, इंडिया की लोगों को डाउट रहता है कि रॉ है CID है ये है वो है। सो जस्ट फॉर द इंडियंस टू नो कि है क्या, हॉलीवुड में लोग फिल्में देखते हैं इसलिए उनको पता है कि MI मिशन इम्पॉसिबल CIA KGB, बट हिंदुस्तान का क्लैरिटी नहीं है तो बनानी पड़ी। और